देखने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस। बेसिकली रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखो, रिसोर्सेज को डिफाइन करने के लिए चार कीवर्ड्स मैं बता दूं। एक तो कि ऐसी चीज़ें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई आवर नीड, एक ये वाला वर्ड जाना चाहिए, सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है। बाकी तीन वर्ड्स जो हर टीचर बताता है वो ये है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं? रिसोर्सेज होती हैं। नाउ डिफाइन सॉइल। सॉइल को डिफाइन करो तो सॉइल इज़ अ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स विच टेक मिलियन ऑफ ईयर टू रिन्यू। इट एक्चुअली हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड सपोर्ट द लिविंग सिस्टम। ये आप सॉइल को ऐसे डिफाइन कर सकते हो। नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, क्या क्या फैक्टर्स हैं? रिलीफ फीचर है, पैरेंट रॉक है जिसको कि बेड रॉक भी बोलते हैं, इसके बाद क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, टाइम है, टेम्परेचर है, रनिंग विंड है, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटीज़ हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, दीज आर द फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मेनली तो आपको ये रिलीफ फीचर, पैरेंट रॉक और क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम तो लिखना ही, ये अदर फैक्टर्स में आता है, इसे भी आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या होता है? तो द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर, सॉइल कवर का डेन्यूडेशन ही क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। अब गली इरोजन और शीट इरोजन में क्या अंतर है? गली इरोजन बेसिकली जो क्लेई सॉइल होता है, क्लेई टेक्सचर की, अच्छा कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल होती है। तो जब उसमें बीच बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, क्लेई सॉइल में जब बीच बीच में क्रैक्स आ जाते हैं उसके थ्रू वाटर फ्लो करता है, बीच बीच में क्रैक्स आ जाते हैं वाटर फ्लो करने की वजह से, तो उसे आप गली इरोजन बोलते हो। शीट इरोजन जब पानी के थ्रू पूरी की पूरी शीट ही धुल जाए, उसे शीट इरोजन बोलोगे। इसे बैड लैंड कहा जाता है, साथ ही साथ चंबल बेसिन में इसे रेवेन्स भी बोला जाता है, रेवेनीज, ठीक है। इसके बाद सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कैसे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो? तो इसमें चार चीज़ें पहले मेन है, चार ही चीज़ें दे रखी है। एक तो कंट्रोल फ्लोइंग, कंट्रोल फ्लोइंग क्या होता है? कंट्रोल साइट्स पे प्लगिंग फ्लोइंग करो। दूसरी चीज़ टेरिस फार्मिंग, ऐसे स्टेप्स बना दो, टेरिसेस बना दो, उस पर फार्मिंग करो। तीसरी चीज़ शेल्टर बेल्ट्स बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हो, स्ट्रिप्स बीच बीच में ग्रासेस लगा दो, जिससे कि विंड, ये विंड के लिए होता है, ठीक है। कॉन्टोर फ्लोइंग, ये जैसे वाटर ऊपर से नीचे आया तो उससे जो इरोजन है उसे बचाता है, शेल्टर बेल्ट्स। फिर उसके बाद इसमें एक और दो चार चीज़ें, जैसे ये क्या करता है, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करता है, डेजर्ट्स को स्टेबलाइज करता है। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी शेल्टर बेल्ट्स में। तो ये कुछ हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स।